आज पार्टी के लिए वो क्षण है जिसमें कहा जाता है कि हमने कहा था, हमने बताया था, बार बार बताया था, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के पीछे पार्टी को तोड़ना और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराना ये मंशा है। और ये बार बार अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे। बहुत सारे साथियों को लगेगा कि हमें राजकुमार भाई से आज बहुत नफरत है, हम उनको धोखेबाज कहेंगे, हम उनको बेईमान कहेंगे, हम उनको ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। पटेल नगर एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये बात राजकुमार अनंत जानते हैं कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, बुरी तरह से हारेंगे, तीसरे नंबर पे आएंगे। वे विधायक इसलिए जीते क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़े हैं, बहुत साल कई पार्टियों में रहे हैं, उनको पता है क्या हश्र होता है भारतीय जनता पार्टी का। इसके बावजूद उनसे रिजाइन कराया गया, पार्टी से रिजाइन किया, पद से रिजाइन किया, क्योंकि पार्टी से रिजाइन कर दिया तो वो विधायक भी नहीं रहे। कौन आदमी ऐसा करेगा? ये तो सुसाइड है, ये तो आग में कूदना है। कोई आदमी क्यों सुसाइड कर रहा है? उस आदमी की क्या मजबूरियां बना दी गई? आप सोचिए कितना डराया जा रहा है। आज एक चुने हुए विधायक और एक मंत्री को आज इतना डरा दिया गया कि वो आज रिजिग्नेशन करने के लिए छोटे से किसी कमरे में छुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आपने देखा ही होगा। मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए आज भारतीय जनता पार्टी को कि आज उसने इस देश के प्रजातंत्र की वो हालत कर दी है जिस देश का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कि इस देश में लोग आजादी से जिएंगे, आजादी से सवाल पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे। उस देश की हालत आज ये कर दी है कि चुने हुए मंत्री जो है इस तरह से रिजाइन कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक बार तो कामयाब हो गई। मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, डरना नहीं है। आपके सामने संजय सिंह का उदाहरण है, झूठे मामले में फंसाया गया, 6 महीने रहे जेल के अंदर, मगर देखिए बाहर आए और शेर की तरह दहाड़ रहे। संजय सिंह बनना है, मनीष सिसोदिया बनना है, अरविंद केजरीवाल बनना है, सत्येंद्र जैन बनना है, राजकुमार आनंद नहीं बनना। हमें उनसे पूरी सहानुभूति है, मगर पार्टी में राजकुमार आनंद के लिए सहानुभूति सिर्फ इसलिए कि वो डर गए, मगर हमें राजकुमार आनंद नहीं बनना, हमें संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल बनना है।